सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आशीष और इस बार जो खबर निकल कर आ रही है वो सीधा निकल कर आ रही है टोक्यो 2020 ओलंपिक से। और टोक्यो 2020 में पीवी सिंधु ने एक ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है भारत की तरफ से। तो अगर हम बात करें पीवी सिंधु के करंट मैच के बारे में, तो आज का जो मैच था उनका बी जे हाओ के साथ था, जिनका नाम था हे बिन जियाओ, जिनको उन्होंने 21-13 21-15 के सीधे सेट से हरा दिया है। और पीवी सिंधु का जैसे कल एक मैच हुआ था जो कि अगर उसमें जीत जाती तो उनको गोल्ड मेडल या फिर सिल्वर मेडल, इन दोनों में मुकाबला होता जो अभी करंटली चल रहा है। तो लेकिन वो मैच क्योंकि ताइवान के साथ इंडिया हार गया था, पीवी सिंधु का जो मैच था टी वाई ताई जो ये हैं इनके साथ मैच हुआ था, एंड इसमें 21-18 21-12 से पीवी सिंधु की हार हो गई थी। लेकिन आज का जो मैच था जो कि ब्रॉन्ज मेडल के लिए था, उसमें पीवी सिंधु का जो मैच था उसमें पीवी सिंधु ने सीधे सेट में 21-13 21-15 से इस मैच को अपने हाथ में कर लिया है। एंड अगर हम बात करें मेडल टेबल के बारे में, तो मेडल टेबल है जो ओलंपिक्स 2020 की, तो उसमें इंडिया की जो पोजीशन है, इंडिया की पोजीशन अब उठकर जो कि पहले काफ़ी नीचे थी उसमें थोड़े सी उसमें सुधार आया है। एंड एक सिल्वर मेडल एंड एक ब्रॉन्ज मेडल जो कि टोटल दो मेडल्स के साथ इंडिया की अभी करंट पोजीशन 59 रैंक पे है। एंड इससे पहले जब इंडिया के पास सिंगल एक सिल्वर मेडल था उस टाइम पे इंडिया की रैंक अभी करीब 64 रैंक होती। तो 64 से 59 में एक बहुत ही अच्छा छाल है जो कि हमें देखने को मिल रहा है, जो कि सिर्फ पीवी सिंधु की वजह से दिखने को मिल रहा है। एंड पीवी सिंधु ने इस मैच को अपने हाथ में कर लिया। एंड पीवी सिंधु ने रिकॉर्ड बना दिया क्योंकि इंडिया में पहली वो ऐसी वुमेन है जिन्होंने दो ओलंपिक मेडल जीते हैं। एंड वहीं अगर हम बात करें इंडिविजुअल गेम्स के बारे में, तो मेंस एंड वुमेन्स दोनों में तो सुशील कुमार के बाद पीवी सिंधु सेकंड ऐसी इंडियन है जिन्होंने दो ओलंपिक्स में लगातार दो मेडल जीते हैं। तो रियो ओलंपिक्स की अगर हम बात करें जो कि 2016 में हुए थे, तो रियो ओलंपिक्स में पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता था इंडिया के लिए, एंड इस बार पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है बैडमिंटन की तरफ से। एंड बैडमिंटन में अगर हम बात करें 2012 लंदन ओलंपिक्स के बारे में, तो साइना नेहवाल में उस टाइम पे डेडलॉक को ब्रेक किया था एंड उन्होंने पहला मेडल दिलाया था जो कि लंदन 2012 में ब्रॉन्ज मेडल था। तो ये थी एक कमाल की न्यूज जो कि सही दिन निकल कर आ रही थी टोक्यो ओलंपिक्स 2020 से, एंड आने वाले टाइम में इंडिया की और मेडल्स की झड़ी लगने वाली है। तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया इसको लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग न्यूज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।